अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। मैं हूँ साद बट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, आप लोगों का वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा होगा। क्या क्या आप लोगों ने ट्राई किया है भाई वीकेंड पे, तो मुझे कॉल करें एंड बताएं। आपकी स्क्रीन पे नंबर ज़रूर आ रहा होगा। भाई रमज़ान गुजर चुका है, ईद गुजर चुकी है, अब हम बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं, लेकिन हमारे जो खाने हैं वो तो चलते रहेंगे। लेकिन हम लोग क्या, अब जो मेरी आगे की रेसिपीज़ हैं ना, वो बड़ी समझे वर्सेटाइल एंड बड़े मज़ेदार सी होने वाली है, कि उसमें स्नैकिंग भी होगी, खाने भी होंगे, मज़े मज़ेदार से समझें एक वेरिएशन फ्यूजन होगा। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से, आपको पता तो है कि एक डम्पलिंग होता है, मोमो भी बोला जाता है इनको, हमारे पाकिस्तानी वर्ड में मोमो भी बोलते हैं। शेप्स बड़ी अलग अलग तरीके की होती हैं, लेकिन इसको हम बनाएंगे मज़ेदार सी मखनी ग्रेवी के अंदर, है ना, एक फ्यूजन, बहुत ही मज़ेदार सी फ्यूजन है, बहुत ही झटपट है, बस थोड़ी सी टेक्निक्स है वो मैं आपको बताऊँगा। मेन जो पर्पज़ होता है आपको पता है मोमोज डम्पलिंग्स का, ये होता है इसके डो का, डो किस तरीके से बनाना है। दो या ढाई कप आपने मैदा लेना है, उसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर वैसे डो मैंने बना के रख लिया है, टाइम बड़ा शॉर्ट होता है आपको पता है, प्रूफिंग का टाइम लाजमी देना होता है, रेस्ट का टाइम आपने लाजमी देना है अपने डो को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले से बना लिया है, समझे कि दो या ढाई कप आपने मैदा ले लेना है, अच्छे तरीके से छान के रूम टेम्परेचर पे हो, उसके अंदर थोड़ा सा नमक एंड पानी डाल देना है। पानी देखें, अब मैं आपको बताऊँ मेजरमेंट, तो मैं आपको पहले बता दूं कि वन कप लेना है, टू कप लेने, लेकिन प्रॉपर तरीके से जब आप देखेंगे ना, जब गूंदेंगे तो समझे स्टिफ होना चाहिए आपका मैदा, बिल्कुल जो डो है आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का ये समझे रेस्ट में मैंने रख दिया क्लिंग लगा के। अब जो इट मीन्स जो आपका जो डो है ना रेडी हो गया, लेकिन बिल्कुल नरम नहीं होगा, सॉफ्ट ही होगा, लेकिन ये कि सॉफ्ट और हार्ड के बीच में होगा, ये कि समझे कि ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए। इसको हम लोगों ने क्या करना है, थोड़ा अगेन रेस्ट दे देते हैं। दूसरा हम बनाएंगे मज़ेदार सी गार्लिक नॉट्स। गार्लिक नॉट्स क्या है, आपको पता है गार्लिक ब्रेड तो आप बहुत खाते हैं, लेकिन नॉट्स क्या है, सिंपल जो एक ब्रेड है उसको एक फोल्ड ऐसा देना है जैसे आप चोटी बनाते हैं ना, वैसे आपने करना है, एंड उसके ऊपर बड़े मज़ेदार से एक मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर क्या बनेगा, डो अगेन मैंने पहले बना लिया, आपको पता है यूनिवर्सल डो जो मैं बनाता हूँ, 3.5 कप आपने यहाँ पर मैदा लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा डालना है चुटकी नमक, उसके अंदर क्या डालेंगे, एक चम्मच आपने डालनी है चीनी, खाने का चम्मच जो होता है, 11 ग्राम्स का पैकेट आता है यीस्ट का, इजीली मौजूद है, उसके अंदर आपने क्या करना है, उसको डाल देंगे, उसको अच्छे तरीके से गूंद लें पानी के साथ, एंड साथ साथ क्या करना है आपने उसको प्रूफ पे रख देना है। हम लोगों ने यहाँ क्या करना है, चूल्हा जलाएंगे, उसके लिए ना आपको एक बड़ा मसा मज़ेदार से एक मिक्सचर तैयार करना है। मिक्सचर क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक गार्लिक, गार्लिक के जवे आप देख सकते हैं, प्रॉपर मैंने गार्लिक के जवे लिए हुए हैं, एंड सिंपल इसके अंदर हम डाल देंगे, ये ले देखें, समझे कि 5 से 6 आपने इसके अंदर ये डाल दिए। अब यहाँ पर मेरे पास है बटर, बटर हाफ स्टिक बटर ले लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से ना समझे बटर मेल्ट होने देना है। अब साथ साथ क्या करेंगे, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूँगा, ताकि जो हमारे जो गार्लिक है ना ज़्यादा जले नहीं, एंड मज़ेदार सा समझे बटरी और बर्न जो टेस्ट आता है ना वो आएगा। ये ले थोड़ा सा समझे 1 से 2 टेबल स्पून या हाफ टी स्पून आप अपने हिसाब से डाल लें, लेकिन कोई मेजरमेंट नहीं है इसके अंदर, बस ये समझे बर्न टेस्ट आना चाहिए, जो आपके गार्लिक क्लोव्स है ना वो अच्छे से बर्न हो जाएं, ट्रांसलूसेंट हो जाएं अच्छे से, ताकि फिर इसको हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से इसको हम पीसेंगे एंड सिंपल इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, मज़ेदार सा टेस्ट आता है बड़ा। इसको होने देते हैं, या पैन मेरा गर्म ही है, अब मैं इसको यहाँ पर रेस्ट पे दे रहा हूँ, आपको दिखा दूँ किस तरीके से मैंने डो को ना यहाँ पहले से प्रूफ करने रख दिया हुआ है। अच्छा जी, ये लें आप देख सकते हैं कितना अच्छा डो जो है हमारा प्रूफ हो चुका है, एंड ये होता है कि एक होती है चीज़ डबल प्रूफिंग। डबल प्रूफिंग क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि पहले आपने समझे ये पहला प्रूफ हो गया, बाद में जब नॉट्स बनाएंगे कोई भी चीज़ बनाएंगे उसको अगेन रेस्ट देना होता है, ताकि डो अच्छे तरीके से रेस्ट हो जाए। यहाँ पर ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया 180 डिग्रीज पे, अब आप ये देख सकते हैं, ये ले थोड़ा सा मेरे पास फ्लावर है, थोड़ा काउंटर को फ्लावर से करेंगे डस्ट, एंड इसको ये देख सकते हैं कितना सॉफ्ट एंड मज़ेदार सा जो डो है ना ये रेडी हो गया। सिंपल ये पिज़्ज़ा डो है, ब्रेड डो है, जिस तरीके से भी आपको पसंद आए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन आप क्या कर सकते हैं, जो पीटा ब्रेड होती है ना उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी, बहुत ही यूनिवर्सल। इसको अच्छे तरीके से आपने समझे इसको पहले अगेन वापस गूंदना है, फ्लावर बस अपने हिसाब से आप ले लें, थोड़ा सा इसको फ्लावर जो है ना डस्ट कर लेंगे काउंटर पे, एंड इसको अगेन इसको इनसाइड आपने फोल्ड करना है इस तरीके से, एंड जैसे आपके होते हैं ना लॉन्ग बंस जो होते हैं वैसे आपने इसके छोटे छोटे ये करके वो बनाने हैं। लॉन्ग बन बना लेंगे इस तरीके से, एक दस ये ले एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कोई रोल पिन की ज़रूरत नहीं है अभी,
सिंपल ये करके आपने ये करके सिंपल ये आपने ये किया एंड ये करके आपने एक ये बना दिया। यहाँ पर मेरे पास बेकिंग ट्रे है, बेकिंग ट्रे में इसी तरीके से आपने क्या करना है, जो समझे बॉल बना ली है ब्रेड करके, ये आपने प्रॉपर तरीके से लाइन कर देना, क्योंकि लाइन इसलिए करना है, अलग इसको ना करें इसलिए, क्योंकि जब ये साथ इंटैक्ट होगा, जब ये बेक होगा ना, तो समझे एक साथ हो जाएगा, फिर आप इजीली पुल होके इसको निकाल सकते हैं। इसके अंदर आप वेरिएशन कर सकते हैं, वेरिएशन क्या हो सकती है, चीज़ डाल लें, इवन इसके अंदर आप कीमा डाल सकते हैं, मर्जी है कुछ भी डाल दें। यहाँ सिंपल प्लेन गार्लिक नॉट्स मैं बना रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं जो गार्लिक मज़ेदार सा गार्लिक है ना, ये हो गया। इसको हमने क्या करना है एंड में, यहाँ पर मेरे पास पार्सले है, थोड़ा सा पार्सले इसमें डालूंगा एंड सिंपल मज़ेदार सा जो टेस्ट आएगा ना इसका, पार्सले का कलर आएगा, आपकी मर्जी है। इसके अंदर अगेन चीज़ भी डाल सकते हैं, पार्मेजान चीज़, दैट्स टोटली अप टू यू। अब इसी तरीके से सिंपल मैंने क्या करना है, यहाँ ब्रेड बनानी है, ये कर लिया सिंपल, आपने इसको यहाँ फोल्ड कर दिया ये करके, ये बिल्कुल करीब करीब रखना है इसको। थोड़ा सा फ्लावर अगेन ले लूँ क्योंकि हाथ पे चिपकेगा एंड क्या करना है, इसको डायरेक्ट आपने ओवन में नहीं डालना है, इसको डबल प्रूफ करना है, डबल प्रूफ, जो भी बेकिंग गुड बनाएं उसको डबल प्रूफ करना लाजमी है। प्लीज़ कॉल करें एंड मुझे बताएं भैया, आप लोगों ने वीकेंड पे कोई नई चीज़ ऐसी ट्राई की है या आप लोगों की सिग्नेचर चीज़ क्या है, क्योंकि आपको पता तो है कि आजकल ना सारे ही घर पे शेफ्स बने हुए होते हैं एंड न्यू चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, महंगाई बड़ी हो गई भी है, तो सारे लोग कोशिश ये करते हैं कि घर में ईजिली हर चीज़ ना अवेलेबल हो एंड जो कम चीज़ों से बन सके, जैसे घर में हर चीज़ होती है ना मौजूद, उन्हीं चीज़ों से बन सके। हमारी भी यही कोशिश होती है कि सारी चीज़ें जितनी भी हैं, सारी जो घर में मौजूद हों चीज़ें, उन्हें से ही हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो जाए। इसी तरीके से अगेन ये आप देख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि इवन हो अनइवन हो, सिंपल आपने फोल्ड किया ये करके, इसको ये देखें यहाँ रख दिया और ईज़िली आपके अच्छे खासे इसमें बन जाते हैं एंड मैं बताऊँ आपके 24 ईज़िली बन जाएंगे, आपकी बर्थडेज हो गई, इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको मैं बताऊँ हाफ करके इसके अंदर स्टफिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सा, समझें कि हंटर बीफ आप करें, चिकन करें, या इवन जो वेजिटेरियन लोग हैं पनीर डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर मैं लाइन अप कर दूंगा, आप लोग जाएं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे। गार्लिक नॉट्स, अज्जा, मैदा 3.5 कप, पनीर 1 पैकेट, पानी हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 खाने का चम्मच, लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, मक्खन हस्बे ज़रूरत, पार्सले हस्बे ज़रूरत। बटर चिकन मोमोज, मखनी सॉस के लिए अज्जा, प्याज 1 अदद, मक्खन 1 खाने का चम्मच, काजू 2 से 3 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, लहसुन के 2 जवे, कश्मीरी पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1/2 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, पानी हस्बे ज़रूरत। ग्रेवी के लिए सीजनिंग, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, फ्रेश क्रीम 1 खाने का चम्मच, मक्खन 1 खाने का चम्मच, मोमोज के लिए मैदा 2 कप, पानी गूंदने के लिए नमक 1 चुटकी, चिकन का कीमा 1 कप, तंदूरी मसाला 1 खाने का चम्मच। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, हम लोग यहाँ मज़ेदार से गार्लिक नॉट्स बना रहे हैं एंड गार्लिक नॉट्स का जो मिक्सचर है, समझे ऊपर की जो लेयर है वो यहाँ रेडी हो रही है। बटर डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, गार्लिक क्लोव्स साबुत डालें एंड आपने क्या करना है, मैं आपको बड़ा अच्छा एक टिप दे दूँ। टिप ये है कि आपने गार्लिक निकाल लेना है, गार्लिक ऑयल आपका रेडी हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा अगर आपको कुटी लाल मिर्च डालनी है वो डाल लें, मज़ेदार सा जो चिली ऑयल होता है वो भी तैयार हो जाएगा। तो 2 से 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर आप क्या है, ये थोड़ा सा सिजल कर रहा है, यहाँ क्या करना है, एक थोड़ा मैं बोल ले लूँ, बोल के अंदर इसको हमने ये मज़ेदार सा जो मिक्सचर है ना ये रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैश करना है इसके अंदर। गार्लिक आप देख सकते हैं हल्के से इसको मैश करना है, थोड़ा सा ये सख्त रहेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इसी का जो मैं आपको बताऊं, आपने चॉप्ड वाले बिल्कुल भी नहीं लेने, क्योंकि ये जो समझें कि प्रॉपर तरीके से जब आप इसको मैश करेंगे ना तो ही समझें बड़े मज़ेदार से ये फ्लेवर देगा। ये इस तरीके से आपने करना है एंड सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर नॉट्स रेडी हो गई हुई हैं एंड सिंपल इसको क्या करना है, हमने इसके अंदर ऊपर बल्कि यहाँ पर पहले ऑयल लगा दें आप प्रॉपर तरीके से, गार्लिक ऑयल जो है विद पार्सले मैंने डाला इसके अंदर, आप चीज़ भी डाल सकते हैं, दैट्स टोटली ऑप्शनल।
अच्छा ब्रेक में ना अच्छा खासा इसमें रेस्ट आ गया था, तभी एक समझे कि मेरा भी फ़ायदा हो गया कि अच्छे तरीके से रेस्ट आ गया, तभी ये वापस थोड़े से और फूल जाएंगे। पहले तो प्रॉपर तरीके से ना इस पर मैं यहाँ पर गार्लिक ऑयल जो है पार्सले के साथ वो लगा दूँ। बड़े मज़ेदार सा मैं बताऊँ इसका टेक्सचर आता है, जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ही समझे मज़ेदार सा इसका जो टेस्ट है ना वो आएगा। बाद में ऊपर हम सारे जितने भी गार्लिक है ना वो ऊपर डालेंगे, जस्ट मेक श्योर करें कोई चीज़ ना ड्राई ना रह जाए, सारे प्रॉपर तरीके से ऑयल को इस पर आपने कवर करना है। ये हो गया, यहाँ पर स्पून में ले लूँ, स्पून से फिर आपने जितने भी क्लोव्स हैं सारे आपके गार्लिक के वो आप ऊपर डाल दें। प्रॉपर तरीके से ना सारे, जस्ट मेक श्योर करें कि अगर एक एक आ जाए ना प्रॉपर तरीके से, और ये अवन में जाके तो और मैं बताऊँ मज़ेदार लगेंगे। अवन नहीं है आपके पास कोई मसला नहीं है, आपने क्या लेना है कढ़ाई लेनी है या पॉट ले लेना है, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखें, हल्का सा नीचे पानी रख दें ताकि इसको स्टीम कर लें, स्टीम में भी बड़े मज़ेदार बन जाते हैं ये। अवन हमारा 180 डिग्रीज प्री हीटेड है, आप लोग जब घर पर बनाएंगे तो 160 to 170 पे बनाइएगा, जो अगर आपके पास पोर्टेबल अवन है तो, एंड मिडल वाला जो रैक होता है ना उस पर आपने लगाना है। ये जो गार्लिक नॉट्स है इसको हम डाल देंगे अब अवन के अंदर, मिडिल वाले रैक में आपने डालना है। मेक श्योर करें 180 डिग्रीज आपका अवन जो है ना प्री हीटेड है, अवन नहीं है कोई मसला नहीं है, प्रॉपर तरीके से स्टीम दे दें। अच्छा जी, दूसरी रेसिपी है ना भाई हमारी मज़ेदार सी, वो क्या है मैं आपको बताऊँ, वो बनने जा रहे हैं मज़ेदार से मोमोज। आपको पता है डम्पलिंग्स किस तरीके से बनती हैं, बड़ी आसान है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, पहले मिक्सचर बना लेते हैं क्योंकि डो हमारा रेडी है, सिंपल फ्लैटन आउट करके कटर से काटना है, कटर नहीं है कोई मसला नहीं है, ग्लास ले लें ग्लास से काट लें, नहीं है तो सिंपल आपने क्या करना है इसको जो आपका जैम के जार्स होते हैं ना उसको खोल के आप डाल लें। ये कीमा है मेरे पास, आपकी रेसिपी में एक कप होगा लेकिन यहाँ पर मेरे पास समझें 150 ग्राम्स कीमा है चिकन का, बीफ भी कर सकते हैं लैम्ब भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। उसके साथ साथ क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मेरे पास जाएगा, तंदूरी मसाला, सिंपल सी सीजनिंग है, एंड यहाँ पर चॉप्ड अनियन एंड गार्लिक, गार्लिक के दो जवे इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास चॉपर है, सिंपल इसके अंदर हम चीज़ें सारी डाल देंगे, बड़े मज़ेदार से बनती है, मज़ेदार की फीलिंग होती है ये। एंड इसके अंदर तंदूरी मसाला डाल रहा हूँ मैं, कोई भी आप ले लें जो घर का होता है। ये क्या, इसके साथ साथ ये जो तंदूरी मसाला है, एंड यहाँ पर ये देखें आपको मैं दिखाऊं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या किया मैंने, तंदूरी मसाला डाला है, तंदूरी मसाला डालने के बाद गार्लिक क्लोव्स डाले हैं, ये लें दो क्लोव्स चले गए, एंड या अनियन एक मीडियम साइज़ का अनियन है, प्रॉपर तरीके से मैंने चॉप कर लिया उसको, एंड इसको आपने क्या करना है यहाँ पर सिंपल इसको आपने चला देना बस, ताकि अच्छे तरीके से ना ये मिक्स हो जाए। स्पाइस लेवल आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी मिर्ची भी डाल सकते हैं, बट ऑब्वियसली ज़्यादा मिर्ची हो जाएंगी तो बच्चे नहीं खा सकेंगे, तो अपने हिसाब से आप जो स्पाइसेस है ना वो रखा करें। अच्छा, आपने देखा है कि मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं की है क्योंकि तंदूरी मसाला जो होता है ना इट सेल्फ इसके अंदर सॉल्ट ऑलरेडी होता है। अब यहाँ पर क्या करने, जो सारा मिक्सचर है मैं यहाँ निकाल लूँगा, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो गार्लिक है वो सारी चीज़ें जो इन्फ्यूज़ हो चुकी हैं इसके अंदर, बिल्कुल आपने क्या करना है बारीक होना चाहिए और आपका बच जाएगा तो इसी से आपने क्या करना है नगेट्स भी बना सकते हैं, जो आपकी चिकन पैटी होती है वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा आपका जो मिक्सचर है ना ये रेडी हो गया, यहाँ पर बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है भाई, अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, बाकी जो है ना ब्रेक में थोड़ा सा स्क्रेप ऑफ करके निकाल लेंगे इसमें से। इसको क्या करना है, साइड पे रखना है, रेस्ट पे रख दें इसको, क्लिंक करके रख दें, पैटी बना के रखें, नगेट्स बनाने वो कर लें, जैसे मोमोज की तो फीलिंग बड़ी अच्छी सी यहाँ पर तैयार हो ही जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं जो ग्रेवी होती है, ग्रेवी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, बड़ा ही समझें कि ईजी आपकी ग्रेवी बनेगी। एंड ग्रेवी किस तरीके से बनेगी मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा बटर एंड ऑयल जाएगा इसके अंदर, ये बटर गया इसके अंदर गए काजू,
काजू इसके अंदर जाएंगे, आपको पता है नटी फ्लेवर होता है, बड़ा मज़ेदार सा होता है। उसको थोड़ा सा हमने क्या करना है, रोस्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ जो है मैंने आपको बताऊं कि वो आई थिंक रेसिपी कार्ड में नहीं, ऑप्शनल है, तो आपने टमाटर जो है ना वो लाजमी इसके अंदर डालने हैं, तो वो भी जाएंगे इसके अंदर। दो टमाटर हैं वो गए। अब एक अदद प्याज, प्याज जाएगा इसके अंदर। आपने इसको क्या करना है, प्याज को ना अच्छे तरीके से जूलियन कर देना है, आपकी मर्जी है जिस तरीके से भी आप इसको काटें, क्योंकि वैसे ही इसने ना ब्लेंडर में जाके वो टूट जाना है, तो हल्की सी इसकी करेंगे भुनाई। अच्छा सर ट्रांसलूसेंट हो जाएगी। ये गया तेज पत्ता, तेज पत्ता बड़े मज़ेदार सा फ्लेवर देता है इसको। अब इसके अंदर सारे स्पाइसेस जाएंगे। स्पाइसेस क्या है मेरे पास, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये समझे सारा एक एक खाने का चम्मच है, हल्दी है 1/4 टीस्पून, जीरा 1/4, नमक हसबे ज़रूरत, यहाँ पर पिंक सॉल्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। पिंक सॉल्ट आप लोग जितना हो सके इस्तेमाल, अपना हेल्थ का ना बड़ा लाजमी ख्याल रखना होता है, तो वो ऐड करें। यहाँ पर गया गरम मसाला। अब मैं क्या करें, इसको प्रॉपर तरीके से टॉस करूँगा ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए एंड इन्फ्यूज़ हो जाए इसके अंदर सारे मसाले। आप लोग जाए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेके, जल्दी वापस आएँ। बटर चिकन मोमोज, मखनी सॉस के लिए अज्जा, प्याज एक अदद, मक्खन एक खाने का चमचा, काजू 2 से 3 अदद, तेज़पत्ता एक अदद, लहसुन के 2 जवे, कश्मीरी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1/2 चाय का चमचा, हल्दी 1/2 चाय का चमचा, ज़ीरा 1/2 चाय का चमचा, नमक हसबे ज़ायका, पानी हसबे ज़रूरत। ग्रेवी के लिए सीजनिंग, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, फ्रेश क्रीम 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, मोमोज के लिए मैदा 2 कप, पानी गूंदने के लिए नमक 1 चुटकी, चिकन का कीमा 1 कप, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा। बटर चिकन मोमोज, मखनी सॉस के लिए अज्जा, प्याज 1 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा, काजू 2 से 3 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, लहसुन के 2 जवे, कश्मीरी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1/2 चाय का चमचा, हल्दी 1/2 चाय का चमचा, ज़ीरा 1/2 चाय का चमचा, नमक हसबे ज़ायका, पानी हसबे ज़रूरत। ग्रेवी के लिए सीजनिंग्स, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, फ्रेश क्रीम 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, मोमोज के लिए मैदा 2 कप, पानी गूंदने के लिए नमक 1 चुटकी, चिकन का कीमा 1 कप, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मज़ेदार सी ग्रेवियाँ रेडी हो रही है। ब्लेंडर में कुछ भी आप डालें तो कोशिश ये करें जो भी मिक्सचर है आपका गर्म ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो, थोड़ा ठंडा हो जाए, ये मशीन के लिए भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे गार्लिक नॉट्स भी अंदर रेडी हो रहे हैं, यहाँ पर ग्रेवी पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या किया है, तेज़ पत्ता जो है उसको निकाल देंगे हम, यहाँ पर उसको हम डिस्कार्ड करना होता है। बाकी जो मिक्सचर है हमारा सारा, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। अब आपको पता है किस तरीके से ब्लेंड होगा, यहाँ सारी चीज़ें जितनी भी है ना इसके अंदर हम डाल देंगे। एंड छोटा सा आपको मैं रिकैप भी बता दूं किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें ना, जिस बी वेरी केयरफुल, ये इसके अंदर चले गए एंड ऊपर इसके हम डाल देंगे इधर, और सोच से मैं क्लियर अप कर लूँ। कोई स्पिलेज ना हो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, अब इसको चला देना है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर हम क्या करेंगे, पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं धुएं निकल रहे हैं इसमें, समझे 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया है। ये जो ऊपर का कैप है ना, ये मैं बंद कर दूँ, ये स्पिल ना हो जाए। कलर आप देख सकते हैं मज़ेदार सा जो मखनी का होता है ना, वो यहाँ आ चुका है। एंड इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें सारी चीज़ें। देखते हैं आई थिंक इसके अंदर जितना भी सारा है ना,
A1 हो चुका है। इसको क्या करना है, हम यहाँ निकालेंगे अभी, इसी पैन में आपने निकालना है। एंड अभी क्या करूँगा, इसको मैं पहले अगेन, मैंने क्या करना है, इसको छानना नहीं है, मैं इसको वापस इसके अंदर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जो तेज़पत्ता है ना, क्योंकि हमने क्या किया था, हल्की सी भुनाई की थी, उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दिया था। लेकिन मैं क्या करूँगा, अब तेज़पत्ता जो अगेन है वापस इसके अंदर डाल दूंगा, ताकि थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर है ना वो इन्फ्यूज़ होकर वापस आ जाए। कलर बड़ा प्यारा आ चुका है इसके अंदर, एंड जो बाकी जो रिमेनिंग जो इसके अंदर मसाले थे ना, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। बस हल्का सा इसको यहाँ करते हैं साइड पे, अपना हो जाएगा, फिर हम मोमोज बनाएंगे। एंड जो बाकी चीज़ें हैं भाई, इसके अंदर सारी पानी डाल के कोई चीज़ वेस्ट ना होने दें, ये सारी चीज़ ना इसको आप खाली कर लें। ये मेरी अम्मी वैसे करती हैं, आई थिंक, आई एम प्रीटी श्योर सारी अम्मियाँ करती हैं कि कोई चीज़ वेस्ट ना हो भाई घर के अंदर। अच्छा जी, इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर चूल्हा मैं अभी कर देता हूँ बंद, क्योंकि ये अपने टाइम पे अगेन इसको वापस रीहीट कर लेंगे। अब आ जाते हैं मोमोज पर। यहाँ पर मोमोज आपको पता है किस तरीके से बनाए, सिंपल पानी और मैदा है, एंड 2.5 कप ऑफ आपने फ्लावर लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी नहीं, नमक जाएगा उसके अंदर थोड़ा सा, एंड उसके बाद सिंपल आपने पानी से गूंदना है इसको। अच्छा जी, आ जाते हैं इधर, बड़ा अच्छा सा देख सकते हैं, फुल स्ट्रेची आपका डो होना चाहिए इसके लिए, लाजमी है, एंड रेस्ट जो है ना वो लाजमी है डो को। देख सकते हैं कितना स्टिफ डो है ये देखें, ये वापस पुश बैक हो गया, इट मींस आपका जो डो है वो रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, अगेन सिंपल, आपको पता है क्या प्रोटोकॉल होता है, इसको हमने रोल आउट करना है। कोशिश ये क्या करें कि इसको ना हाफ ऑफ कर लिया करें, परेशानी से बचेंगे आप लोग। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाफ कर लेते हैं, इस तरीके से इसको आपने, अब क्या करना है, इसकी रोटी बेलनी है, सिंपल पतली रोटी हो 1/4 के हिसाब से, एंड फिर उसके अंदर हम सारी जितने भी है ना, हम कटर की मदद से इसको हमने क्या करना है, फिलिंग करेंगे, फिर काटने के बाद प्रॉपर तरीके से रोल करें, इसको फ्लैटन आउट करें। अच्छा, हाथ से होता है कि पता चल जाता है कहाँ ज़्यादा विड्थ ना इसकी ज़्यादा है, तो मैं उसको उसी हिसाब से फ्लैटन आउट कर रहा हूँ। आई थिंक थोड़ा सा हम और कर देते हैं इसको, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, कटर की मदद से इसको सिंपल इसके राउंड्स निकालने हैं आपने, ये आपके राउंड्स हो गए। अब आपने क्या करना है इसको, अच्छा अब आपको लगे कि इसकी जो साइड्स हैं वो अगेन मोटी हैं, तो सिंपल इसको हल्का सा आपने हल्का सा फ्लैटन आउट करना है, ये ताकि जो साइड्स है ना ये इसकी बिल्कुल पतली हो जाएं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास मिक्सचर है, जो चिकन का मिक्सचर था वो सिंपल इसके अंदर जाएगा। अच्छा, कोशिश ये करें कि ज़्यादा मिक्सचर कभी भी ना डालें, उससे होता ये है कि आपका जो मिक्सचर है ना वो निकल आता है बाहर, ये गया अंदर। एंड सिंपल इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर अब मर्जी है, बहुत सारे शेप्स बनती हैं, यहाँ पर सिंपल आपने ये किया साइड, ये इस तरीके से आपने सिंपल आपने इसको शेप दे देनी है। अब मर्जी है आपकी, आप राउंड बना लें, यहाँ पर हेमिस्फीयर बना लें, टोटली ऑप्शनल, क्योंकि आप ऑब्वियसली एडिबल हैं तो पेट में ही जाने हैं, तो मर्जी है जिस तरीके से बन जाए, इजीली जैसे आपके घर में बन जाए, क्योंकि मैं कोई ऐसा शेप नहीं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि फिर घर पे ना बने। इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे, ताकि सारे जो मोमोज हैं उसको मैं अच्छे तरीके से शेप करके अगेन रेस्ट पर डाल दूँ। बटर चिकन मोमोज, मखनी सॉस के लिए अज्जा, प्याज एक अदद, मक्खन एक खाने का चमचा, काजू 2-3 अदद, तेज़पत्ता एक अदद, लहसुन के 2 जवे, कश्मीरी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, नमक हसबे जायका, पानी हसबे ज़रूरत, ग्रेवी के लिए सीजनिंग, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, फ्रेश क्रीम 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, मोमोज के लिए मैदा 2 कप, पानी गूंदने के लिए नमक 1 चुटकी, चिकन का कीमा 1 कप, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा।
बटर चिकन मोमोज, मखनी सॉस के लिए अज्जा, प्याज एक अदद, मक्खन एक खाने का चमचा, काजू 2-3 अदद, तेजपत्ता एक अदद, लहसुन के 2 जवे, कश्मीरी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1/2 चाय का चमचा, हल्दी 1/2 चाय का चमचा, जीरा 1/2 चाय का चमचा, नमक हसबे जायका, पानी हसबे ज़रूरत। ग्रेवी के लिए सीजनिंग, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, फ्रेश क्रीम 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, मोमोज के लिए मैदा 2 कप, पानी गूंदने के लिए नमक 1 चुटकी, चिकन का कीमा 1 कप, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें वैसे नोट डाउन कर ली हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ेदार सी जो ग्रेवी है वो भी रेडी होगी, एंड साथ साथ हमने गार्लिक नॉट्स को भी देख लें भाई, अच्छा सा कलर आ चुका है, एंड आई थिंक इसको बस थोड़ा सा यहाँ निकाल के अगेन थोड़ा सा ऑयल से ब्रश करेंगे एंड आई थिंक इट्स रेडी। क्योंकि इस चक्रों में ना होता है कि जो भी चीज़ ओवन में होती है वो हम भूल जाते हैं। ये आपके सामने, एंड इसको क्या करना है, हल्का सा अभी इसी टाइम पे आपने इसको ऑयल लगाना है, ऑयल से थोड़ा सा ब्रश करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा मैं ड्रिजल कर दूं ताकि अंदर तक ना जो ऑयल है ये चल सके। आप देख सकते हैं गार्लिक जो है ना फुल प्रॉपर तरीके से इन्फ्यूज़ हो गया है, एंड बहुत ही मज़ेदार इसकी जो अरोमा है ना इसका, ये जो आपके नॉट्स हैं ये रेडी हो चुकी हैं। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको रेस्ट पे देंगे, उसके बाद पुल करके मैं दिखाऊंगा ताकि अच्छे तरीके से रेस्ट हो जाए। अब यहाँ आ जाते हैं, कमिंग बैक टू मोमोज, आपकी मर्जी है जिस तरीके से आपने बनाना है, आपका जस्ट मेक श्योर कि जो डो है उसको आपने क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा सॉफ्ट है वैसे क्योंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है इसको फ्रिज में रख दें ताकि प्रॉपर तरीके से ये स्टिफ हो, बट इवेंचुअली इट्स ओके, हमने तो ऑब्वियसली यहाँ बनाने हैं, एंड इसी कोई भी आप शेप दे दें, मर्जी है आप किसी तरीके से भी या आप शेप दे दें इसको। हमने अब क्या करना है, यहाँ पर इसको हमने स्टीम जो जिस तरीके से करेंगे ना, कभी कभार लोगों के पास स्टीमर भी नहीं होता, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा इसके अंदर मैं करूँगा ऑयल, हल्का सा ज़्यादा नहीं, और इसी के साथ साथ क्या करना है, इसके अंदर हम ये जो हमारे डम्पलिंग्स मोमोज जो सारी चीज़ें ना इसके अंदर हम यहाँ रख देंगे ताकि थोड़ा सा नीचे से एक जो कलर है ना वो भी आ जाए एंड साथ साथ एक्स्ट्रा क्रिस्प भी आ जाए इसके अंदर, ये कर लेंगे ताकि मीनवाइल मैं बाकी भी बना दूं। हल्की आंच रखनी है, हल्का सा कलर आ जाए, इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऊपर लिड रख देंगे एंड ये अपने टाइम पे खुद ही पकना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट में ईजिली जो समझे डम्पलिंग्स आपके मोमोज है ना ये रेडी हो जाएंगे। अच्छा, जस्ट मेक श्योर कि जो आपका जो भी आप यहाँ पर जो डो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो, हार्ड हो, एंड ऑब्वियसली हमें तो यहाँ जल्दी जल्दी बनाना है, बट इट्स टोटली फाइन। आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आप शेप भी दे देंगे ना इसको, यहाँ पर फिर फ्रिज में रख दें ताकि ईजिली ये आपके जो मोमोज है ना ये रेडी हो जाएंगे। फिलिंग आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, वेजिटेबल की भी आप कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, किसी तरीके से भी आपको जैसे सही लगे। जो चूल्हा है ना इसको मैं थोड़ा सा तेज कर देता हूँ, इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, जो हमारी सॉस है ना सो कर लेते हैं, ये वाला जला देते हैं ताकि जल्दी से ना हमारे जो कलर एक आ जाए हल्का सा, फिर पानी डालेंगे थोड़ा सा एंड सिंपल इसको लिड दे देंगे। अगेन इसी तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से फ्लैटन आउट करें इसको। भैया आप लोग कॉल करें एंड कोई भी आपको किसी चीज़ से भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चीज़ से या कोई फरमाइश करनी है तो प्लीज़ कॉल करें ताकि मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें हैं ताकि फरमाइश जो है ना हम आके पूरी कर सकें। आगे का जो मेन्यू है ना बड़ा मज़ेदार सा आने वाला है एंड सबसे फुल खाने जो है ना मज़ेदार से वो आ रहे हैं, एंड ताकि आप लोग ऑब्वियसली अब तो इफ्तार टेबल तो अब नहीं होगी ना ईद की होगी, लेकिन आगे जो ईद की जो डिशेस हैं, बकरा ईद भी आने वाली है भाई आगे, तो उस हिसाब से जो जो खाने आप बना सकेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। एंड यहाँ आप देख सकते हैं सिजल जो है ना दोनों चीज़ें हो रही हैं, ये वाला मैं बंद कर देता हूँ, बस हल्का सा ये समझे कलर आ जाए इसके अंदर, ये हल्का सा हो जाए एंड सो हम क्या करेंगे, हल्का सा हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा फ्लेम मैं तेज़ कर देता हूँ, पानी में थोड़ा सा और डाल देता हूँ क्योंकि फ्लैट है ना। हाँ, इस तरीके से पानी डालेंगे एंड
इसको क्या करना है, हमने जो मेरे पास यहाँ पर कवर है, लिड है, वो हम इसके अंदर लगा देंगे ताकि अपने स्टीम में ना पकते रहे। क्यों इतना बड़ा आप स्टीमर रखें, फिर उसकी अलग वो सारी चीज़ें होती हैं कि पूरा चूल्हा भी घेर लेता है, तो अच्छा जितना इजी हैक आपका बन जाए ना उसी तरीके से आपने करना है। अच्छा जी, आप लोग जाएं शॉर्ट रिकैप ब्रेक पे, जब तक मैं सारे जो हमारे मोमोज हैं ना उसको मैं प्रॉपर तरीके से बना के स्टीम करने रखता हूँ। बटर चिकन मोमोज, मखनी सॉस के लिए अज्जा, प्याज एक अदद, मक्खन एक खाने का चमचा, काजू 2 से 3 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, लहसुन के 2 जवे, कश्मीरी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1/2 चाय का चमचा, हल्दी 1/2 चाय का चमचा, ज़ीरा 1/2 चाय का चमचा, नमक हसबे ज़ायका, पानी हसबे ज़रूरत। ग्रेवी के लिए सीजनिंग्स, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, फ्रेश क्रीम 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, मोमोज के लिए मैदा 2 कप, पानी गूंदने के लिए नमक 1 चुटकी, चिकन का कीमा 1 कप, तंदूरी मसाला 1 खाने का चमचा, कटी प्याज आदि। तुर्की सॉस के लिए तमाम अज्जा सौटे करके ब्लेंड करें और छान लें। अब सीजनिंग्स के अज्जा डालकर डो गूंदें और रख दें। फिलिंग बनाने के लिए चिकन का कीमा, तंदूरी मसाला और प्याज लेकर एक मोमो में फिलिंग करें, फिर फ्राई कर लें। मखनी सॉस में डिप करके गर्म सर्व करें। गार्लिक नॉट्स अज्जा, मैदा 3.5 कप, पनीर 1 पैकेट, पानी हसबे ज़रूरत, चीनी 1 खाने का चमचा, लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, मक्खन हसबे ज़रूरत, पार्सले हसबे ज़रूरत। तरकीब, डो गूंद कर फूलने के लिए 1 घंटा रख दें, फिर से शीट की तरह फैला दें। मक्खन पिघला कर कटा लहसुन और पार्सले मिक्स करें, फिर सिनेमन रोल्स की तरह रोल करें। अब इन्हें आधा कट करके छोटे स्पाइरल्स बनाएं और 15 मिनट बेक करके गर्मा गर्म सर्व कर दें। गार्लिक नॉट्स अज्जा, मैदा 3.5 कप, पनीर 1 पैकेट, पानी हसबे ज़रूरत, चीनी 1 खाने का चमचा, लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, मक्खन हसबे ज़रूरत, पार्सले हसबे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। गार्लिक नॉट्स भी रेडी हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट। मैं आपको ऐसे एक दिखाता हूँ तोड़ के, कितना सॉफ्ट है ये देखें, ये देखें, ये आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच बनाए बिल्कुल, और इतने मज़ेदार, मैं आपको बताऊँ ये क्या ही बात है। अच्छा जी, हमारे जो बटर चिकन है ये भी समझें रेडी है बिल्कुल। यहाँ पहले हमने क्या करना है, जो मखनी सॉस है ना ये हम पहले इसमें डाल देते हैं इधर, ये ना भाई, ये सारी इसके अंदर चले गई। एंड अब क्या करना है, जो हमारे डम्पलिंग्स हैं ये हल्के से पानी में, थोड़ी सी डाली है मैंने इसके अंदर पानी, बस ये आप देख सकते हैं जो कलर आया नीचे 4 कलर ये लाजमी आना है। एंड इसके अंदर आपने इसके अंदर डाल देना है, ये इस तरीके से आपने रखना है ऊपर। वैसे टोंग होना ज़्यादा अच्छा है कि टोंग से उठा के आप इसमें इजीली डाल दें, बहुत ही मज़ेदार। एंड एज यू कैन सी बहुत अच्छा 4 कलर भी आ चुका है। मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी मेथी जो होती है ना ड्राइड मेथी वो है, ताकि इसका जो फ्लेवर आपको पता है कि वो तो लाजमी इसी से आता है। ये बस ये एक और ये लीजिए, ये सारा इसके अंदर आ गया है। एंड अब क्या करना है आपको पता है, थोड़ा सा बस ये जो ऊपर मेथी है ये ऊपर आएगी ये, एंड क्रीम एट द एंड हमने हल्की सी इसके ऊपर क्रीम डालनी है, दैट्स इट। ये हमारे मज़ेदार से जो मोमोज है ना, बटर चिकन मोमोज, ये रेडी हो गए, इसी ब्रेड के साथ खाएं मज़े ले लेके। एंड आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।